नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गगन सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओम गुरुकुल अकेडमी काका देव कानपुर से। दोस्तों, आप लोगों को मैंने क्लॉक पढ़ाया था, ठीक है। क्लॉक के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूं। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेशन पे चलेंगे, ठीक है। आज क्लॉक का हम लोग प्रैक्टिस सेशन पे करेंगे। आज क्लॉक में प्रैक्टिस सेशन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि आखिरकार क्लॉक में किस तरह के क्वेश्चंस। देखिए, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम लोग क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये देखिए, तो प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। यहां पर ध्यान से देखेंगे, जिस प्रकार से हम लोग क्लॉक पर बात कर रहे थे उसी प्रकार से आज बढ़ेंगे हम लोग आगे और बात करेंगे कि क्वेश्चंस में एक्चुअल होते क्या है क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि 7 और 8 बजे के बीच मिनट और घंटे की सुइयों के बीच में कब 170 डिग्री का कोण बनेगा, बिटवीन 7 to 8। मैंने आप लोगों को बताया था, शायद आप सभी लोगों को याद होगा कि 7 से 8। देखिए, जैसे कि ये मेरा क्लॉक होता है, ये 12 हो गया आपका, ये 6 हो गया, ये 3, ये 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8 और 10, 11। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 7 और 8 बजे के बीच में, तो बिटवीन 7 to 8, तो भाई 7 to 8 में मेरा बेस कितना है, भाई 7 है। ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट टर्न पे बता चुका हूं। तो जो हमारा बेस है वो क्या है भाई, 7 है। तो हम किसी भी नंबर से बेस से अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कोण हमको क्या हो जाता है भाई, प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले तो 7 बजा होगा भाई, तो 7 बजे का जो कोण होगा, 7 यानी कितना होगा, ये 210 डिग्री का कोण होगा 7 बजे का भाई, ठीक है। अब 7 बजे का 210 डिग्री का कोण है जिसे हमें समझना है। तो 210 डिग्री की अगर हम बात करें और पूछ रहा है 170 डिग्री, तो 170 डिग्री का कोण प्राप्त करेंगे, तो इसका मतलब यह हो गया मेरे पास कोण 210 डिग्री का ऑलरेडी है और अब हमको चाहिए कितने डिग्री का भाई, 170 डिग्री का, ठीक है। तो 210 में कितना कम कर दें कि 170 डिग्री रह जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि हमें 170 डिग्री का कोण चाहिए। तो 210 डिग्री में कितना कम कर दें कि 70 डिग्री रह जाए, तो 170 डिग्री, तो 170 डिग्री के लिए 210 से आप अगर देखिए कितना कम करना पड़ रहा है भाई, 17 और 40, ठीक है, यानी कितना हो गया 210, तो 40 कम कर देंगे तो मेरा 170 डिग्री रह जाएगा। तो 40 बटे रिलेटिव स्पीड, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि जब कभी भी हम लोग निकालते हैं, ठीक है, मिनट और घंटे की सुइयों के बीच में कब 170 डिग्री का कोण बनेगा, ये प्रश्न था। तो अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपका 80 बटे 11, ठीक। अब 11 से इसको आप भाग लगा दीजिए, 11 7 77, 3 बचा, ये देखिए 7 सही 3 बटे 11, कितने बजकर 7 बजकर, कितने बजकर 7 बजकर 7 सही 3 बटे 11 मिनट पे हमारा 170 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो हमारा जो विकल्प हो जाएगा वो कौन सा आ जाएगा भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार से अगर हम बात करें इसी प्रकार से, तो और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके बीच में आपसे डिग्री के बारे में पूछा जाता है कि भाई इतने और इतने बजे के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। जो पिछला जो क्वेश्चन हमने देखा था, एक बार फिर से आते हैं जरा इस क्वेश्चन में, यह जरूरी नहीं था कि 170 डिग्री के कोण ही आपसे पूछा जाता। अब इसमें यहां पर यह भी एक पॉसिबिलिटी होती, आपसे यह पूछ लिया जाता कि 7 और 8 बजे के बीच में 7 डिग्री का कोण कब बनेगा, 35 डिग्री का कोण कब बनेगा, 90 का कब बनेगा, 110 का कब बनेगा। तो जितने भी डिग्री का कोण आपसे पूछा जाए, आप उसके डिफरेंस को निकालकर रिलेटिव स्पीड से भाग लगा दीजिए, यू विल गेट योर आंसर, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। यदि किसी घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयों को एक बार मिल चुकी हो तो अब वो दोबारा कब मिलेंगी। देखिए, इस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर चुके थे, जो फिर से आपके सामने लिखा गया है।
मान लो वो कह रहा है कि एक बार मिनट और घंटे की सुइयां जब आपस में मिल गई हैं तो अब वो दोबारा कब मिलेंगी, ठीक है, वो टाइम पीरियड क्या है। चलिए एक सिंपल सा हम आपको पहले एग्जांपल देकर बताते हैं। मान लो मिनट और घंटे की सुइयां भाई 12 बजे आपस में मिल रही हैं, सपोज दैट 12 o'clock, ये मिनट और घंटे की सुइयां आपस में मिल रही हैं। तो अब एक बात तो तय है, क्या तय है कि अब इसको दोबारा आपस में मिलने के लिए मिनट की सुई को 360 अंश का कोण चलना पड़ेगा, और जब मिनट की सुई 360 अंश का कोण चलेगी उतनी देर में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण और भाई आगे बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है घंटे की सुई तो आ जाएगी आपकी एक पर और मिनट की सुई आ जाएगी फिर से वापस 12 पर, लेकिन अभी भी नहीं मिल पाई, तो मिलने के लिए फिर से मिनट की सुई को आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ेगी तो घंटे की सुई भी आगे बढ़ेगी। इसीलिए हम लोग हमेशा लगाते हैं रिलेटिव स्पीड। तो उसने कहा कि यदि किसी घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयां एक बार मिल चुकी हो तो अब वो दोबारा आपस में कब मिलेंगी। तो भाई दोबारा आपस में कब मिलेंगी, दोबारा आपस में मिलेंगी 360 अंश का कोण चलने के बाद। ये आपका आंसर हो जाएगा, बटे रिलेटिव स्पीड लगा देते हैं तो वो अब वो जो है वो टाइम पीरियड भी निकल आएगा कि कितनी देर बाद वो आपस में मिल जाएंगे। तो अगर हम इसको अब सॉल्व करें तो देखिए 36 दूनी 72 यानी कि 720 बटे 11। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए 720 बटे 11, तो 11 छक 66 और आपका बचा, ठीक है, 6 और फिर 11 पंजे 55 बचा 5 बटे 11। ये देखिए ये आपका उत्तर आ गया 65 सही 5 बटे 11 मिनट बाद फिर से दोनों घड़ियां की सुइयां जो हैं, फिर से घड़ी की दोनों सुइयां जो हैं वो आपस में भाई मिल जाएंगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझो, तो अब इसमें आंसर आ जाएगा 65 सही 5 बटे 11 मिनट बाद फिर से दोनों जो है सुइयां आपस में मिल जाएंगी। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से घुमाकर भी आपके सामने फ्रेम किया जा सकता है, यही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। कैसे डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है, आपसे अब एक टाइम पीरियड दे दे, वो कहे कि मान लो सपोज दैट, लेट अस सपोज कि मिनट और घंटे की सुइयां 1:40 पे मिलती हैं आपस में, सपोज दैट मान लिया कि मिनट और घंटे की सुइयां 1:40 पे आपस में मिलती हैं, अब वो दोबारा आपस में कब मिलेंगी, फिर से कब मिलेंगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 65 सही 5 बटे 11 मिनट ले जाके इस वाले टाइम पीरियड में केवल ऐड कर देना है 65 सही 5 बटे 11। तो देखो 60 मिनट जब तुम ऐड करोगे तो 2:40 हो जाएगा, और 5 ऐड करोगे तो 2:45 हो जाएगा, और 5 बटे 11 और, तो उत्तर आ जाएगा 2:45 सही 5 बटे 11 मिनट पे फिर से आपस में क्या हो जाएंगी भाई, मिल जाएंगी। ठीक है, जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन को करने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन की थीम क्या है, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन मतलब उसकी थीम क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से हमसे पूछा गया है। ठीक, तो ये चीज आप सब लोगों को क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की समझ में आया भाई सब लोगों को, कोई डाउट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पे अगला क्वेश्चन देखिए आया है कि 2:03 के लिखा हुआ है 2:03 के बीच 80 अंश का कोण कब बनेगा यदि मिनट की सुई घड़ी की सुई से आगे हो, यानी घंटे की सुई से आगे हो, कहां हो, घंटा, यहां पर होगा घंटा। ठीक है, जब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो, ठीक है, तो अब देखो मेरे पास उसने यही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया, कह रहा है ये 2 है, ये 6 3 9 1 2, तो कह रहा है कि 2:03 के बीच में, तो मिनट जो मेरा, ये देखिए 2 इस प्रकार से बजा, तो बेस तो मेरा 2 है, तो हमेशा बेस में 2 कितने 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कोण हमारा 60 डिग्री का आ जाएगा, आ गया 60 डिग्री का। अब वो ये कह रहा है कि भाई इनके बीच में 80 डिग्री का कोण कब बनेगा, 80 डिग्री का कोण हमको बताना है, तो 80 डिग्री का कोण कब बनेगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई से भाई कितना आगे होनी चाहिए, लिखा हुआ है जबकि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो, तो ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है 80 डिग्री का कोण। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला कोण बनाने के लिए वही कॉन्सेप्ट, 60 क्रॉस करोगे तभी तो 80 मिलेगा 60 डिग्री, क्योंकि ये कोण कितना है 60 क्रॉस करोगे तब जाके 80 डिग्री का कोण मिलेगा, तो ये टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है। बटे रिलेटिव स्पीड लगा दीजिए 11/2, 8 6 14 यानी ये हो गया आपका 140 और 140 दूनी 280, 280, ठीक है, 14 दूनी 28 बटे 11, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 11 दूनी 22
कितना बचा भाई 6, 11 पंजे 55, कितना बचा 5/11। तो ये उत्तर आ जाएगा 2:25 सही 5/11 मिनट पर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 2:25 सही 5/11 मिनट पर, फिर जो है ये 80 डिग्री का कोण आपको 2 और 3 के बीच में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी कोण आपसे पूछे तो बस तुम्हें ये याद रखना है कि कोण की क्वेश्चन की थीम क्या है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 और 6 बजे के बीच मिनट और घंटे की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? ये लीजिए, विपरीत का मतलब होता अपोजिट हो जाना, मतलब एक दूसरे के विपरीत का मतलब क्या होता, अपोजिट। और ध्यान रखो, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था विपरीत से तात्पर्य होता 180 अंश का कोण, 180 डिग्री। कितने डिग्री? 180 डिग्री। तो ये देखिए, ये आपका फिर से वही बेस आ गया, ये 12 है और ये 6 बना देते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। कितने के बात कर रहा है? 5 और 6 बजे के बीच में। तो 5 बजे तो ऑलरेडी पहले हम बात करेंगे, तो बेस में हमेशा 30 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाता 5 × 3 = 15। ये कोण हो गया 150 डिग्री का, ये कोण आपका हो गया, ये कोण आपका 150 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा भाई? 150 डिग्री का। ये देखिए, तो 150 डिग्री का कोण है ये, और हमको चाहिए, क्योंकि विपरीत करना अपोजिट कोण चाहिए, हमको चाहिए 180 अंश का कोण। तो 180 अंश का कोण प्राप्त कर, यानी कि जब ये पूरी मिनट की सुई जब 150 घूम लेगी तो यहां पे आके कहीं पर 180 डिग्री का कोण आपको प्राप्त होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो वो तो तभी होगा, 150 क्रॉस करो 180 पाने के लिए, बटे लगा दो रिलेटिव स्पीड। अब देखिए, अब हम जोड़ेंगे 150 और 180, यानी कि 150, 300 और 30, 330, ये टोटल बन गया आपका 330। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच में मिनट और घंटे की सुइयां कब एक दूसरे के, अच्छा, ऊपर होंगी, ये एक दूसरे के ऊपर होने की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम इसमें फिर 80 नहीं, जो वो मैं आपको अपोजिट कॉन्सेप्ट बता रहा था, ये कह रहा कि कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो ऊपर के लिए केवल मुझको यही एक कोण चलना पड़ेगा। ठीक है, 150 डिग्री का ही कोण चलना पड़ेगा बस, फिर हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे रिलेटिव स्पीड लगा देंगे। तो 300 बटे 11, अब इसको सॉल्व कर लें, तो 11 × 2 = 22, बचा 8, 11 × 7 = 77 और 3/11, तो आपका उत्तर आ जाएगा 5:27 सही 3/11 मिनट पर। ठीक है, ये उत्तर आ जाएगा। वो ये पूछ रहा है कि 5 और 6 के बीच में मिनट और घंटे की सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, विपरीत नहीं पूछ रहा है, कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। और अगर यही क्वेश्चन विपरीत में पूछ लेता कि 5 और 6 बजे के बीच में मिनट और घंटे की सुइयां कब एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, तो हमें फिर क्या करना पड़ता? फिर हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता। देखिए, उसको भी समझ लीजिए, सब समझा रहे हैं तो इसको भी समझेंगे। फिर हमें क्या करना पड़ता? फिर हमें 150 क्रॉस करना पड़ता 180 को पाने के लिए, बटे रिलेटिव स्पीड, ये लग जाता। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 150 यानी 330, ठीक है, 30 बचा, तो 330 दूनी आपका हो गया 660, 660 में 11 का भाग, 11 × 66 कितना, सीधे सीधे क्या जाएगा, 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब क्या होता है 6। तो गुरु, 5 और 6 के बीच में अपोजिट की कंडीशन कब बनेगी जाके, सीधे सीधे 6 बजे, कितने बजे 6 बजे, 6 बजे मिनट और घंटे की सुइयां दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। क्लियर है, ऊपर वाला भी कॉन्सेप्ट बता दिया आपको और अपोजिट कॉन्सेप्ट भी बता दिया। ठीक है, चलिए समझ आया सबको, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, हाँ, अब देखो इसमें वही क्वेश्चन आ गया कि 9 और 10 के बीच मिनट और घंटे की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी अपोजिट बात कर रहा है। कितने कितने बजे के बीच की? 9 और 10 बजे के बीच की बात कर रहा है। तो पहले तो मेरे सामने भाई 9 बजेगा, कितना बजेगा 9, तो 9 बजेगा, तो 9 बजे का कोण हम लोग ये देख लें कितना होता है। तो ये कोण, तो 9 बजे के अगर हम कोण की बात करें तो ये 9 बजे का करेक्ट जो कोण होता है वो 90 डिग्री का तो ऑलरेडी मेरे पास है। अगर ये 90 डिग्री और चल जाए,
क्योंकि अब 180 अंश पे ही तो विपरीत होगा, तो 90 अगर और चल जाए तो बोलो विपरीत हो जाएगा, हाँ या ना। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो कितना चलना पड़ेगा इसको, 90 ही और चलना पड़ेगा, तो 90 चलना पड़ेगा बटे रिलेटिव स्पीड, इसको आप अपोजिट कर देंगे तो 180 बटे 11, तो 11 एकम 11 कितना बचा 7, और 11 छक्का 66 कितना बचा 4/11, कितने बजकर 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर, 16 सही 4/11 मिनट पर, मिनट और घंटे की सुइयां दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी भाई, अपोजिट हो जाएंगी, यानी के विपरीत हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का कॉन्सेप्ट था, जो क्वेश्चन 5 था। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए तो इसका आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन आता है, किसी मीटिंग में मैं 9:30 बजे पहुंचा, वेरी गुड। ये देखिए, मैं पहुंचा कितने बजे भाई, 9:30 बजे पहुंचा, और मुझे ज्ञात हुआ कि मैं 30 मिनट लेट आने वाले व्यक्ति से 5 मिनट पहले आया, तो इसका मतलब वो व्यक्ति अगर 30 मिनट लेट आता तो 9:35 पे आता भाई, और मैं आ गया भाई कितने बजे, 9:30 पे, मतलब मैं 30 मिनट लेट आने वाले व्यक्ति से 5 मिनट पहले आया। क्लियर है, तो इसका मतलब मैं 25 मिनट तो वैसे भी लेट था, ठीक है, कितने मिनट लेट हो गया मैं, 25 मिनट लेट हो गया, तो यानी कि 9:05 पे, ठीक है, तो 5 मिनट पहले पहुंचा, तो मीटिंग का सही समय क्या था, तो मीटिंग का सही समय कितना था, 9:05। एक्चुअल में मैं पहुंचा 9:30 पर, कितने बजे, 9:30 पे मैं पहुंचा, ठीक, और मुझे पता चला कि मैं लेट आने वाले व्यक्ति से 5 मिनट पहले आया हूं, 30 मिनट लेट आने वाले व्यक्ति से, तो इसका मतलब मैं तो 25 मिनट लेट आया ना भाई, अगर मैं 9:30 पे पहुंचा और मैं 25 मिनट लेट हूं तो सही समय क्या था, 9:05, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए सातवां क्वेश्चन है, दीपक ने किसी राइट क्लॉक में छेड़खानी कर दी, उसने मिनट और घंटे की सुइयों को आपस में बदल दिया। ये देखिए, राइट क्लॉक कोई सही घड़ी है, इसमें उसने क्या कर दिया भाई, छेड़खानी कर दी, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करता है वो। ये देखिए, तो दीपक ने किसी राइट क्लॉक में छेड़खानी कर दी, उसने मिनट और घंटे की सुइयों को आपस में बदल दिया, यदि बदलने के बाद अब 12:15 हो रहा है। ये देखिए, अब 12:00 कितने मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट हो रहे हैं, ठीक है, हो रहा है, तो उसका सही समय क्या था, तो मिनट और घंटे की सुइयों को बदल दिया। एक्चुअल में मिनट की सुई और घंटे की सुई जब उसने बदली, एक्चुअल में घंटे की सुई रही होगी 3 पे और मिनट की सुई रही होगी 12 पे, तो क्या समय हो रहा है, 3 बज रहा है। देखिए, उसकी शरारत की वजह से उसने मिनट और घंटे की सुइयों को आपस में क्या कर दिया भाई, इंटरचेंज कर दिया, तो जब उसने मिनट और घंटे की सुइयों को आपस में बदला तो उसने, उसे ज्ञात हुआ छेड़खानी करने से, तो एक्चुअल टाइम आपसे पूछा गया था कि इसका रियल टाइम क्या था, तो रियल टाइम घड़ी में कितना बज रहा था भाई, 3 बज रहा था। ठीक है, क्लियर है, आगे चले, गुड। देखिए आप सभी विद्यार्थीगण, हम यही कहेंगे कि प्रैक्टिस अच्छी करिए तो ही बात बनेगी, ठीक। राजू के पास 2 घड़ियां P और Q हैं, दोनों घड़ियां सुबह 7:00 AM पर बजा रही हैं, परंतु 1 घंटे के बाद P 5 मिनट तेज और Q 10 मिनट धीमी हो जाती है, तो बताओ कि कितने घंटे बाद पुनः दोनों घड़ियां समान समय दिखाएंगी। ये लीजिए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। देखो, अब यहां पे हमने आपको पढ़ाया था कि लूज करना और गेन करना, मतलब धीमे होना और तेज होना, तो हमको क्या करना होता है, जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वो कितने आवर पे करते हैं भाई, 12 आवर पे हम लोग हमेशा सदैव कैलकुलेशन करते हैं, 12 घंटे पे कैलकुलेशन होती है, ये बात आप सभी लोग ध्यान से समझें, ठीक है। तो अब वो देखो, ये P और Q है और दोनों घड़ियां सुबह 7:00 मिला दी जाती हैं भाई, लेकिन 1 घंटे के बाद, ठीक है, तो 1 घंटे के बाद घड़ी P 5 मिनट तेज हो जाती है, तो घड़ी P बजाएगी 8:05 और ये 5 मिनट धीमी हो जाती है तो बजाएगी 7:55। दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर हो गया, ये आपको देखना है, 7:55 और 8:05 के बीच में 10 मिनट का अंतर है भाई, और ये 10 मिनट का अंतर कितने घंटे में आया, 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 10 मिनट का अंतर आ गया आपका, और हमें यहाँ पे 1 घंटा लाना है, तो 6 घंटे लगेंगे 1 घंटा लाने के लिए, ठीक है,
और यहां पे हमें लाना है 12 आवर। 12 घंटा लाने के लिए 12 छंग 72 घंटे लग जाएंगे, यानी कि 72 घंटे बाद फिर से ये दोनों घड़ियां समान समय दिखा देंगी। कितने घंटे बाद? 72 घंटे बाद। ठीक है, क्या ऐसा है? चलिए एक बार फिर से देखते हैं ऑप्शंस में क्या है, देखेंगे। राजू के पास दो घड़ियां पी और क्यू है, दोनों घड़ियां सुबह का 7 बजा रही हैं, परंतु एक घंटे बाद घड़ी पी 5 मिनट तेज, अच्छा 10 मिनट का अंतर है भाई, और घड़ी क्यू 10 मिनट धीमी हो जाती है, 10 मिनट है भाई, तो यहां 5 मिनट, अगर 5 मिनट होती तो आपका 72 घंटे उत्तर आ जाता। ठीक है, अब वो 10 मिनट धीमी है तो ये 7:50 दिखाएगी भाई, कितना दिखाएगी? 7:50। तो अब इन दोनों के बीच में कितना अंतर हो जाएगा भाई? अब देखिए एक बार फिर देखिए इन दोनों के बीच में, ये देखिए तो 7:50 ये दिखाएगी, 8:05 ये दिखाएगी, तो 15 मिनट का अंतर हो जाएगा दोनों के बीच में। 15 मिनट का अंतर एक घंटे में मिलता है, 15 मिनट का, अब इसको ऐसे कर लेंगे कि एक घंटे में मिलता है 15 मिनट का अंतर। ठीक है, क्योंकि ये 10 मिनट धीमी हो रही है, अगर 5 मिनट धीमी होती तो आपका ये उत्तर आ जाता, 5 मिनट धीमी 5 मिनट तेज तो आपका ये उत्तर आ जाता, लेकिन ये 5 मिनट धीमी हो रही है और ये 10 मिनट, वो 5 मिनट धीमी तेज हो रही है और ये 10 मिनट धीमी हो रही है, तो अब इनके बीच का डिफरेंस जो हो गया वो 15 मिनट का हो गया, तो एक घंटे में 15 मिनट तो 4 घंटे में एक घंटा, तो 12 घंटे यहां लाने के लिए 12 चौक 48 घंटे लग जाएंगे, तो 48 घंटे यानी ये आपका उत्तर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये 72 घंटे वाला कब का मान्य होगा? जब यहां पे 10 मिनट की जगह कितने मिनट दे दिए जाए? 5 मिनट दे दिए जाए। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, तो अभी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये आंसर आपका आ जाएगा 48 आवर बाद। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपके सामने समझाए जा रहे हैं। नवा क्वेश्चन, किसी लंबवत दर्पण में 11:55 समय हो रहा है जो कि उस घड़ी का वास्तविक समय है, तो उस घड़ी का आभासी समय क्या होगा? इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि पूछा गया समय बराबर, लंबवत में पूछा गया समय बराबर 11:60 माइनस दिया गया समय। यह फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 11:60 से 11:55 घटा दें तो यहां बचेगा 5 मिनट और यहां बचेगा 0:00, और मैं आपको बता चुका हूं कि 0:00 का मतलब क्या होता है भाई? 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 12:05। ये लीजिए पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन हमसे जिस प्रकार से पूछा जाता है उसी प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? हमेशा डील करते हैं। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी क्षैतिज, अब क्षैतिज दर्पण में बात आ गई, तो क्षैतिज दर्पण का फार्मूला हमने आपको बताया था, सभी लोग देखेंगे कि पूछा गया समय बराबर 18:30 माइनस दिया गया समय, ये वैल्यू लगा देंगे हम लोग, तो 18:30 से अगर हम 3:42 घटा दें तो हमें आंसर मिल जाएगा भाई। ठीक, अब 30 मिनट से 42 मिनट तो जाएंगे नहीं, तो हो जाएंगे कितने मिनट भाई? 90 मिनट हो जाएंगे। अब यहां पे 60 मिनट कैरी हो जाएंगे तो ये टोटल 90, अब 90 से 42 घटाएंगे तो 48 मिनट यहां आ जाएगा। अब यहां बचा 17 से 3 गया तो कितना बचा? 14, यानी 14:48 और 14:48 का मतलब ही होता है 2:48। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, समझ आया सबको? देखिए जो कॉन्सेप्ट दिए थे बस उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं। ऑल राइट, यदि किसी घड़ी में अंकों के स्थान पर, चलिए ये देखिए, ये है आपका 12, 6, 3, 9, 1, 2, 7, 8, 10 और 11, ये है। यदि किसी घड़ी में अंकों के स्थान पर अक्षरों को इस प्रकार रखा जाए कि एक के स्थान पर L और दो के स्थान पे M और आगे यही क्रम चलता रहे तो 6 और 9 के स्थान पे कौन से अक्षर आएंगे? तो देखो ये तो सीरीज बढ़ रही है और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रखे जा रहे हैं, तो L M यहां क्या आ जाएगा? N O और यहां P Q, तो 6 के स्थान पे तो Q आ जाएगा। ठीक है, P Q, तो पहले Q वाला एक ही ऑप्शन है, QT, PQ
आर एस टी, तो देखो आ गया क्यू टी, ठीक है, एक एक बढ़ रहा था अपने स्थान से। तो आप लोग बहुत तेजी से क्वेश्चन लगा सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपको तैयार होंगे। कॉन्सेप्ट का खेल है भाई, आपको लास्ट दो वीडियो जो आपके लिए दिए गए थे वो आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। लास्ट में दो वीडियो डाले गए थे टाइप वन और टाइप टू या पार्ट वन पार्ट टू करके, तो उन सारे वीडियोस को आप लोग देखेंगे अच्छे से तब जाके आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। ऑल राइट, एक घड़ी एक बजे एक बार, दो बजे दो बार और तीन बजे तीन बार बजती हो तो नौ बजे तक कितना बज चुकी होगी। देखिए ये सारी प्राकृतिक संख्याओं का ऐड होता है एक तरीके से। एक बजे एक बार, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव और आपका प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट और प्लस नाइन, सबको ऐड कर देंगे तो 45 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो वो यही पूछ रहा है तो 9 बजे तक कितना बच चुकी होगी, तो 9 बजे तक 45 बार बच चुकी होगी। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, ये सब ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, n टाइम्स n प्लस 1 बाई 2, ये फॉर्मूला लगा देंगे, n की वैल्यू 9 प्लस 1 बाई 2, तो 9 और 1 10, 2 से कट जाएगा ये 5 और 5 नेम 45, ये देखिए आ गया आंसर आपका, ठीक है, 45 आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई ट्रेन कानपुर सेंट्रल स्टेशन से मुंबई के लिए 18 घंटे 40 मिनट लेती है, ठीक है, कितने घंटे लेती है भाई टोटल 18 घंटे 40 मिनट, गॉट इट। ट्रेन सुबह 9:40 पे छूटती है और अगले दिन 5:20 पर सुबह पहुंचती है, 5:20 मॉर्निंग, ठीक है, और मॉर्निंग में छूटती है, ठीक है, तो बताओ ट्रेन कितनी लेट और कितनी जल्दी पहुंची। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सुबह 9:40 से अगले दिन 9:40 तक टोटल आपके 24 घंटे हो जाते हैं, क्यों भाई, लेकिन मुद्दा यहां पे यह है कि ट्रेन 5:20 पे ही चली जाती, मतलब पहुंच जाती है सवेरे। तो आप इसको ऐसे कर लो, सुबह 9 बजे से लेके, ठीक है, सुबह 9 बजे से लेके और शाम के 9, सुबह 9:40 से शाम को 9:40 तक 12 घंटे। अब 9:40 से यानी 10:40 11:40 12:40 1:40 2:40 3:40 4:40 ठीक है और 5:40, तो 5:40 तक आपके कितने 8 घंटे और हो जाते हैं भाई, ठीक है, लेकिन चूंकि 20 मिनट पहले ही पहुंच जाती है तो 7 घंटे 20 मिनट पहले, देखिए ना ये कितने मिनट का अंतर है, 20 मिनट, 7 घंटे 40 मिनट में, तो प्लस 7 घंटे 40 मिनट और ऐड कर देंगे तो 19 घंटे 40 मिनट में पहुंचती है ट्रेन, और जबकि पहुंचना चाहिए 18 घंटे 40 मिनट में, तो बताओ कितनी लेट हो गई, 1 घंटा लेट हो गई भाई, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, या फिर 9:40 से सुबह से लेके और अगले दिन 9:40 तक 24 घंटे हो गए, पहुंचती है 5:20 पे, उतना ही कम कर दीजिए आप, ठीक है, ऐसे उत्तर आ जाएगा आपका। अब आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, घड़ी में 7:20 पर मिनट और घंटे की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। आपको मैं कोण निकालने का फॉर्मूला बता चुका हूं, 30H-11/2m, एच क्या है घंटा, एम क्या है मिनट, ये देखिए, ठीक है, एच घंटा हो गया और एम क्या हो गया मिनट हो गया आपका। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें भाई, तो 7:20 7×21 210 माइनस 11/2 और 20 कट जाएगा कितने 10 बार 110, तो कितने डिग्री बचा 100 डिग्री, 100 डिग्री कहां है आंसर, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 100 डिग्री। चलिए 5 और 6 के बीच 90 अंश का कोण कब बनेगा यदि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो, अगला कोण पूछ रहा है आपसे, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, तो 5 और 6 के बीच 90 अंश का कोण कब बनेगा, तो सबसे पहले तो भाई 5 बजेगा ना मेरा, और 90 अंश का कोण तब पूछ रहा है जब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो, यानी यहां कहीं पे,
ये 90। तो इस 90 को पाने के लिए ये जो बेस है वो कितने डिग्री का है भाई? बेस में हमेशा 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 डिग्री। तो 150 क्रॉस करो 90 पाने के लिए बटे रिलेटिव स्पीड। अब हम इसको ऐड कर लें भाई, तो ये हो गया 240 और 240 दूनी हो गया आपका 480। 480 बटे 11, 11 चौक 44, 11 तीन 33, 43 सही 7 बटे 11 कितने बजकर? 5 बजकर, 5 बजकर 43 सही 7 बटे 11। इसको आप सॉल्व करेंगे 15 और 4 9 5 14 यानी 240, 240 दूनी 480, 480 बटे 11 ठीक। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 11 चौक 44, 4 बचा 11 तीन 33 और 7 बटे 11 तो कितने बजकर? 9 बजकर, सॉरी 5 बजकर, 5 बजे से पूछा ना तो 5 बजकर, 5 बजकर 43 सही 7 बटे 11 है कहीं? नहीं है, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर आएगा 5 बजकर 43 सही 7 बटे 11 ठीक है। इसको अगर आप ऐड करें तो ये 15 और 90, 9 5 14 240 ठीक है, 240 दूनी 480 बिल्कुल सही है ठीक। ओके नेक्स्ट, यदि कोई दो घड़ियां सोमवार सुबह 7 बजे मिलाई जाएं और एक घंटे के बाद एक घड़ी 5 मिनट तेज और एक घड़ी 1 मिनट धीमी हो जाए, 5 मिनट और 1 मिनट, और यह घटना 10 जनवरी 2020 को हुई हो तो पुनः ये घड़ियां कब फिर से समान समय दिखाएंगी? घटना भैया 10 जनवरी 2020 की है ठीक है, और उस दिन जो था वो मंडे का दिन था ठीक। अब इन दोनों घड़ियों के बीच में एक घड़ी 5 मिनट तेज और एक घड़ी 1 मिनट धीमी, दोनों के बीच में 6 मिनट का अंतर आ रहा है, कितने पे? एक घंटे पे। तो एक घंटे पे 6 मिनट का अंतर ठीक है, तो 10, अब हम इसको यहां पे समझना पड़ेगा आपको, एक घंटा में 6 मिनट तब जाके 10 घंटा में 10 क्षण 60 मिनट मिलेंगे भाई, यानी 10 घंटे में मिल रहे हैं एक घंटा, तो 12 घंटा लाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 120 घंटा। अब 120 घंटा को आपको दिन में बदलना है, तो एक घंटे में 24 घंटे होते हैं, तो टोटल ठीक है 24 पंजे 120 होता है ठीक है, तो इसको हम अगर 24 से भाग लगा दें तो 4 पंजे 20 और 5 दूनी 10 ठीक है, 5 ठीक है, तो इसको आप काटेंगे तो काट दीजिए तो देखिए कितने दिन निकलते हैं 24 से, जो तो 5 दिन आपके बन जाएंगे ठीक है। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका भाई 100 और 20, यस 5 दिन कितने बनेंगे? 5 डेज। अब 5 डेज बन गए, अब 5 डेज तो समय देख लो भैया, तो 10 जनवरी से लेकर एक दिन 11 जनवरी, दो दिन 12 जनवरी, तीन दिन 13 जनवरी, चार दिन 14 जनवरी और पांचवा 15 जनवरी, तो आंसर आ जाएगा। तो वो दिन क्या होगा? पांचवा दिन सोमवार था, सोमवार में 5 ऐड कर देंगे तो शनिवार आपको प्राप्त हो जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा शनिवार 15 जनवरी 2020, शनिवार 15 जनवरी 2020, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा लास्ट कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वो जो ए दो घड़ियां जो पी और क्यू जो लेट और धीमी चल रही थी, बस उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमको जो कैलकुलेशन करनी होती है वो कैलकुलेशन 12 आवर पे करनी होती है, तो 12 आवर पे आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अब ये 12 आवर लाने के लिए, ये जो 12 घंटे यहां पे लाने के लिए, क्योंकि 10 घंटे में 60 मिनट यानी 10 घंटे में 1 घंटा आपको मिल रहा है, तो 12 घंटा लाने के लिए 12 धाम 120 घंटे लग जाएंगे भाई, क्लियर है ठीक। और अब इस 120 घंटे को आप दिन में कन्वर्ट कर लीजिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 पंजे 120, 5 दिन आपको मिल जाएंगे, 5वें दिन जाके ये बिल्कुल जो है फिर से वही समय दिखा देगी ठीक है। ठीक है भाई, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, यदि कोई राइट क्लॉक हो तो उस क्लॉक में सुबह 9 बजे के से शाम 9 बजे तक घंटे की सुई कितना अंश घूम चुकी होगी? तो भाई 9 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक टोटल घंटा आप निकाल लो, तो 12 बजे तक 3 घंटा ये और 5 घंटा वो, 5 और 3 8 घंटे हो गए।
और 8 घंटे में, एक घंटे में बनाती है घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण, तो 8 घंटे में 240 डिग्री, ये देखिए ए उत्तर आ जाएगा। वो यही कह रहा है कि यदि कोई राइट क्लॉक हो तो उस क्लॉक में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम चुकी होगी, तो घंटे की जो सुई है वो 240 अंश का कोण क्या हो चुका होगा बेटे, वो घूम चुका होगा। क्लियर है, क्योंकि घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये तो आपको पता होगा, एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी तो 8 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना देगी, सीधे सीधे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 तीन 24 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, 140 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। अब देखो तो मिनट की सीधे सीधे गुणा है, मिनट की सुई तो 6 डिग्री चलती है भाई एक मिनट में, और 140 में कितना चलेगी, 14 × 84 840 डिग्री, कितना डिग्री 840 डिग्री, तो ये आपका 840 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, कोई डाउट, कोई समस्या? ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। ये देखिए 180 सेकंड में मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। अब 180 सेकंड का मतलब तो भाई 3 मिनट होता है, अगर 180 सेकंड है तो 180 सेकंड में, 180 सेकंड में मिनट की सुई कितना चलेगी, यहां सेकंड लिखा है ये नहीं है, मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी, तो 180 सेकंड बराबर 3 मिनट, तो कुल मिला के 3 मिनट में मिनट की सुई कितना चल जाएगी, 3 मिनट में, 180 सेकंड में या 3 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगी, 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो 3 मिनट में चलेगी 18 डिग्री, कितना चलेगी 18 डिग्री। क्लियर है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए और देखिए ये टेलीग्राम का एक हमारा अपना ग्रुप है जिसमें जो है पीडीएफ, देखो किसी भी टाइप की पीडीएफ आपको मिल जाएगी कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, और डेली अपडेटेड इस पे आपको देखने को मिलेंगे, और डिस्कशन, डाउट, सेशन, सॉल्विंग सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, और डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है विद टीचर्स, और टीचर से आपको डायरेक्ट मिलने का मौका मिलेगा, डायरेक्ट आप टीचर से बात कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ गेम्स भी आपके लिए प्लान किए जा रहे हैं जिनको आप खेलते खेलते बहुत अच्छा पढ़ ले जाएंगे, बहुत अच्छा सीख जाएंगे, ठीक है, तो सभी लोग इसको फॉलो करें। थैंक यू।